हमारे प्यारे नबी की चार सुन्नतें। नंबर 1, जुमे के लिए ख़ास लिबास पहनना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास दो कपड़े थे जिसे आप जुमे के दिन पहनते थे, फिर जब आप तशरीफ़ लाते तो उसे लपेट कर रख देते थे। नंबर 2, हर नमाज के लिए वज़ू करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि वे बावजू होने के बावजूद भी हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू फरमाते थे, और आज हम लोग कई नमाजें ही एक वज़ू से पढ़ते हैं। नंबर 3, रुकू में हाथों को घुटने पर रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते, ऐसा लगता जैसे उनको पकड़ रखा हो, और दोनों हाथों को थोड़ा मोड़ कर पहलुओं से अलग रखते थे। नंबर 4, मेहमान का अच्छे से इस्तकबाल करना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीले बन अब्दुल कैश के लोग आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशामदीद, यानी आपको आना मुबारक हो।